आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इंफोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित त्रिभुज। प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे प्रश्नावली 6C। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है प्रश्नावली 6C का, जो बोर्ड पर लिखा गया है। क्या है? दी हुई आकृति में सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका होगा प्यारे साथियों, जब यहाँ यानी कि ए बी की माध्यिका यम है और क्या है पी यानी पी क्यू की माध्यिका क्या है यन है ना। तो क्या होगा, यह वाला इतना जितना पार्ट होगा उतना ही पार्ट इतना होगा। अगर यह 3 सेंटीमीटर का होगा तो यह कुल टोटल भी 3 सेंटीमीटर का होगा और पूरा 6 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान से समझिएगा, यन पी जितना होगा उतना ही हमारा यह भी हो जाएगा प्यारे साथियों, क्योंकि माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समरूप है। समरूप का सिंबल दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना। पहला कि त्रिभुज ए एम सी यानी कि ए एम सी समरूप है त्रिभुज देखिए पी एन आर यानी कि प्यारे साथियों इन त्रिभुजों में यानी कि इस त्रिभुज को हमको दिखाना है समरूप इस त्रिभुज के साथ। हमको समरूप दिखाना है, यही सिद्ध करना है। और दूसरा जो सिद्ध करना है प्यारे साथियों कि सी एम अपान आर एन जो सी एम है और आर एन है सी एम और आर एन बटे यानी कि सी एम बटे आर एन बराबर है ए बी बटे पी क्यू ए बी बटे पी क्यू के बराबर दिखाना है प्यारे साथियों। तो आइए अब इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं। और एक और भी है, क्या इस त्रिभुज के सर्वांग समरूप दिखाना है इस त्रिभुज के। तो प्यारे साथियों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समरूपता की कसौटी याद होनी चाहिए, हम यूँ चुटकियों में बना सकते हैं सवाल को। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, पहले चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, पहले वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या होगा प्यारे साथियों, चूँकि हम जानते हैं दिया है क्या सवाल में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन पी क्यू आर, पी क्यू आर के समरूप है। हम जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होती है, आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यानी कि प्यारे साथियों यानी कि ए बी यानी ए बी लिखेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर यानी कि बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा प्यारे साथियों क्या ए सी बटे पी आर के बराबर होगा। इसको समीकरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। क्यों बराबर प्यारे साथियों, क्योंकि समरूप त्रिभुज की कसौटी से यानी समरूप त्रिभुज क्या, जब दो समरूप त्रिभुज आपस में मतलब सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, हम जानते हैं। जब संगत भुजा समानुपाती हो गया प्यारे साथियों तो यह भी एक शब्द कहता है इनकी संगत कोण आपस में बराबर यानी कोण ए के बराबर कोण पी हो जाएगा और कोण बी के बराबर प्यारे साथियों कोण क्यू होगा और कोण सी के बराबर यानी कि कोण सी के बराबर कोण क्या होता है आर होगा। यह भी होता है समरूप त्रिभुज में, तब प्यारे साथियों लिख सकते हैं कि कोण ए के बराबर कोण पी होगा, गौर कीजिएगा कामा उसके बाद लगाएंगे कोण बी के बराबर प्यारे साथियों होगा कोण क्यू कामा उसके बाद कोण हम लिख सकते हैं सी के बराबर होगा कोण आर, इतना जान गए, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब चलते हैं प्यारे साथियों कि सिद्ध करने कि अब सिद्ध करेंगे क्या हम कि इस त्रिभुज यानी कि यह त्रिभुज जो है ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर आपस में क्या है समरूप है। तो प्यारे साथियों गौर से देखिएगा कि चूंकि जानते हैं ए बी का मध्य बिंदु यम है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है यम है, तो लिखेंगे चूंकि जानते हैं ए बी का चूंकि यानी कि यम ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है प्यारे साथियों, क्योंकि चूंकि हमारा जो सी एम है वह माध्यिका है
है ना, आर्यन भी माध्यिका है, इसलिए यह मध्य बिंदु हो जाएगा। जब ऐसा तो मध्य बिंदु होगा तो हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी किसके बराबर होगा, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं कितना, 2 × यानी कि ए एम, 2 AM के का होगा बराबर होगा। अब जानते हैं इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं कि क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम कि क्या, चूँकि क्या यन जो है क्यों पी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए प्यारे साथियों लिख सकते हैं हम क्या कि जो हमारा क्यों पी क्यों होगा, पी क्यों होगा बराबर यानी कि 2 NPK। बिल्कुल सही जवाब है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चलिए प्यारे साथियों हम उठा लेते हैं ए बी यानी कि ए बी अपान पी क्यू, यानी लिखेंगे समीकरण ए यानी कि ए बी अपान पी क्यू बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों ए सी अपान पी आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए यानी कि ए सी अपान पी आर के बराबर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए यानी कि ध्यान दीजिएगा ए बी के जगह हम मान रख सकते हैं क्या 2 AM और पी क्यू के जगह लिख सकते हैं 2 NP, आराम से लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है। तो लिखेंगे प्यारे साथियों क्या ए बी के जगह, ए बी की जगह लिखेंगे 2 AM / 2 NP बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AM / NP बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। यहाँ पे देखिए भुजा समानुपाती आ गया, पहला चीज बराबर आ गया। आज चूँकि प्यारे साथियों और क्या देख रहे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा AM / PN बराबर क्या हो गया AC / PR मिल गया। और क्या देख रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिख देखते हैं पुनः, कोण A बराबर कोण किसके है P के है। तो आप क्या देख रहे हैं भुजा, ध्यान दीजिए भुजा कोण भुजा, यानी लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता नियमानुसार, नियमानुसार क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियमानुसार त्रिभुज, त्रिभुज AMC समरूप होगा प्यारे साथियों त्रिभुज PNR के। बस इतना हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं इति सिद्धम, पहला जो चीज है वह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, पहला जो रूल था, पहला जो नियम था वह हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो यह है प्यारे साथियों पहले यानी कि सवाल नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया, एकदम आराम से सिद्ध कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी मिस्टेक नहीं है प्यारे साथियों, आप इन चुटकियों में बना सकते हैं, बसलते आपको समरूपता का नियम, समरूपता की कसौटी आपको याद होनी चाहिए, बाय स्टेप चलेंगे। पहला सिद्ध हो गया। अब प्यारे साथियों दूसरा भी हम इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, यहीं से लेकर दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। यह हुआ हमारा पहला कथन सिद्ध, अब हम ले लेंगे दूसरा कथन सिद्ध कर सकेंगे यहीं से। कैसे सिद्ध करेंगे, चूँकि देखिए प्यारे साथियों क्या देखेंगे, यहीं से हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा कथन भी हम सिद्ध कर देखते हैं कैसे, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम देखिए प्यारे साथियों क्या पता है, जब प्यारे साथियों यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हुआ है, समरूप हुआ है, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, तो इनके भी संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होगा, बिल्कुल होगा, यानी लिख सकते हैं प्यारे साथियों यहाँ से हम कि क्या कि AM अपान, देखिएगा AM अपान PN यानी कि NP लिखे चाहे PN की कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लिख देंगे NP बराबर होगा AC / PR के, AM / RN लिख देंगे। आ चूँकि प्यारे साथियों यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ से यह दोनों आपको क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, यह दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण
समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से देख लेंगे हमारे पास क्या है। समीकरण एक है और यहाँ पे समीकरण दो है, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखिए सी एम बटे आर एन बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। आज चूँकि ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, आ ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू के, तो इसीलिए तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, यानी इसके जगह हम मिटा के हम डायरेक्ट आपको समझने के लिए इस चीज़ को लिखे हैं, आराम से लिख सकते हैं क्या, चूँकि लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा दूसरा जो कथन है यहाँ पे क्या हुआ सिद्ध हो गया, इसको भी लिख सकते हैं इसी सिद्ध हम लिखे हैं जानबूझ के ताकि आप लोगों को समझ में आए। सवाल छोटा है, एक नंबर का दो नंबर का सवाल आएगा तो ज़्यादा कथन बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा कथन को बना दीजिए। यह दूसरा सिद्ध हो गया, हम तीसरा सिद्ध करने के लिए कहेंगे बात तो तीसरा तो आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार से पहला वाला बात सिद्ध हुआ, पहला कथन सिद्ध हुआ, उसी प्रकार से दूसरा भी इस वाले त्रिभुज को हम इस वाले त्रिभुज के क्या कर सकते हैं समरूप दिखा सकते हैं। तो यह पार्ट यानी पार्ट नंबर तीन जो है हम आपको खुद कहेंगे कि खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं क्या होगा। तो आई होप प्यार चाहती हूँ कि इस सवाल को आप समझेंगे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर दो पे, क्या कहा प्रश्न नंबर दो, कथन जो कहता है उसको पढ़े पढ़ते हैं। चित्र तो पहला जोड़ा जो है बना दिया गया है, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे साथियों कहा है पहला जोड़ा दिया है, बताना है कि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है कि नहीं है, अगर समरूप है तो समरूपता की कौन कसौटी लगी है, और समरूपता का संकेत करके बताइए कि समरूप है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर एक का सॉल्यूशन आइए अब हम क्या करते हैं देखते हैं, क्या है कुछ है नहीं सवाल में, बस आपको समझना है। क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों कि लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज किस में देखेंगे पी क्यू आर में, क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, हम जानते हैं समरूपता की पहली कसौटी होती है कोण 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 कोण, यानी कि अगर किसी त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होती हैं, हम जानते हैं एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, अगर तीनों कोणों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाती है। तो क्या देख रहे हैं कोण ए है जो कोण पी के बराबर है, देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है तो 60 डिग्री यहाँ पे है, कोण बी है प्यारे साथियों 80 डिग्री का तो क्यू कितने डिग्री का 80 डिग्री का, कोण सी है 40 डिग्री का तो कोण आर कितने है 40 डिग्री का है, और आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं बशर्ते आप समरूपता की कसौटी जानते हो तब। तो प्यारे देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कि कोण ए बराबर क्या है कोण पी क्यों बराबर है, क्योंकि यह कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, कोण बी बराबर कोण क्यों है प्यारे साथियों क्यों है क्योंकि यह 80 डिग्री का है दोनों कोण, और कोण सी बराबर है प्यारे साथियों कोण आर के क्यों है यह क्योंकि 40 डिग्री है। तो चूंकि दे लिखेंगे तो तब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूपता समरूपता कसौटी द्वारा समरूपता कसौटी द्वारा कसौटी द्वारा द्वारा त्रिभुज क्या है ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, या दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है यही बताना था। तो समरूप है कि नहीं है, बिल्कुल है समरूप, आ किस नियम से कोण 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 समरूपता कसौटी के द्वारा आप यूँ बता सकते हैं। अब प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट जोड़ा का सॉल्यूशन बताना था, अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड आकृति को देखेंगे और बताएंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। प्रश्न नंबर सेकंड का सेकंड है क्या पता करना, इसमें भी जो यल यम पी है समरूप डी ई एफ के है कि नहीं है, तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, बस आप कंसेप्ट से काम आगे बढ़ाएंगे।
क्या है प्यारे साथियों, लिखेंगे त्रिभुज यल यम पी तथा त्रिभुज क्या है डी ई एफ में, दोनों त्रिभुज में देखेंगे। अब देखिए इसमें कोण का बात सुचित नहीं किया गया, कहीं पे कोण नहीं दिया है कि फलाना कोण 3 डिग्री का है तो फलाना कोण 3 डिग्री का। इसमें केवल भुजा की माप दिया गया है, तो जब प्यारे साथियों भुजा की माप दे देता है और दो त्रिभुजों में आपस में समरूप दिखाना है, तो आप अपने दिमाग में यह चलाइएगा कि हम जानते हैं समरूप अगर त्रिभुज होगा तो उनकी भुजा का अनुपात क्या होगा, समानुपात में होगा। तो आइए बनाते हैं, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा ध्यान दीजिएगा। हम करते क्या है काम को, थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि यम पी लिखेंगे, यम पी बटे, यानी हम यम पी के बटे पे आ जाती हूँ डी ई ले लेते हैं, क्या लेते हैं डी ई ले लेते हैं, तो मान कितना आ जाएगा 2/2 कितना आ गया 4, तो 2 × 2 = 4 यानी कि 1/2 कितना आ गया 2 मिल गया। अब देखिए यल पी बटे, यल पी को लिखेंगे हम डी एफ के बटे में, यानी डी एफ बराबर तो हो जाएगा 3/6, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 यानी कि आ गया प्यारे साथियों 1/2। अब देखिए यल यम लिखेंगे, यल यम बटे हो जाएगा प्यारे साथियों किसके, ई एफ के, ई एफ के ले लेते हैं। तो जब यल यम लेंगे प्यारे साथियों ई एफ के, तो क्या हो जाएगा यल यम का मान कितना है 2.7, अब बटे है प्यारे साथियों 5, कटेगा ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो आपको देखने को क्या मिला, हमको देखने को मिला प्यारे साथियों चूँकि क्या यम पी बटे डी ई इज इक्वल टू है यल पी बटे डी एफ इज नॉट इक्वल टू क्या या यल यम अपान ई एफ, चूँकि क्या पता मिला, चूँकि हमको मिला कि भुजा समानुपात में नहीं है, लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा सभी संगत भुजाएं समानुपात में नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, तो इसलिए लिखेंगे सभी संगत भुजाएं समानुपात में नहीं है, अतः त्रिभुज क्या है यल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर दूसरे का 40। आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे, बड़ा ही आसान सिंपल ही क्वेश्चन है। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या है इसको भी हमको समरूपता बताना है कि नहीं है, तो आइए अब देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं प्यारे साथियों। अब इसको भी बनाइए, क्या यह समरूप है कि नहीं है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे प्यारे साथियों क्यू आर पी, लिखेंगे क्यू आर पी में, क्यों इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्योंकि प्यारे साथियों ए बी का संगत भुजा क्यू आर दिखाई दे रहा है और बी सी का जो संगत है प्यारे साथियों पी आर है और ए सी का जो संगत है प्यारे साथियों पी क्यू है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए ए बी पहले तो क्यू आर, यानी ए बी ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा हम काम कराते हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं यानी कि ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज है
यहाँ पे त्रिभुज हमने क्यू आर पी कभी भी गलत नहीं होगा। जब इस भुजा को लेंगे, ए बी भुजा को लेंगे, तो बटे क्यू आर भुजा आ जाएगा। और जब बटे बी सी भुजा होगा, ध्यान दीजिए, जब बी सी भुजा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पी भुजा हो जाएगा। आखिर कौन किसके नीचे जाएगा, तो उस प्रकार से त्रिभुज का नामकरण भी करेंगे। अब क्या चाहते हैं, जब ए सी भुजा को लेंगे तो यहाँ पे हम क्यों पी भुजा को ले लेते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और चूंकि भुजा के माप पता है केवल, कोण तो पता नहीं है, तो सभी भुजा को देखिए समानुपात में है कि नहीं है, तो इसलिए हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में इस प्रकार से लिखेंगे, न कि हम पी क्यू आर लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यानी लिखा हमने, यानी कि ए बी बटे, यहाँ से पकड़ेंगे हम, आपको बता दिया ए बी के बटे क्या होगा, क्यू आर होगा, तो लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर। तो ए बी का मान कितना है, दो, बटे क्यू आर का मान कितना है प्यारे साथियों, चार है, तो दो एकन्ने दो, दो दूनी चार, यानी कि एक बटे दो प्राप्त हुआ। अब लिखिए, अब जब बी सी को लेंगे, बी सी को लेंगे तो यहाँ पे क्या है, पी आर है, पी आर के ये से आर पी कह दीजिए, बात बराबर है। बी सी का मान प्यारे साथियों 2.5 है, अब बटे आर पी का मान कितना है, पाँच है, तो आ देखिए अढ़ाई दूनी कितना, पाँच, यानी कि एक बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, मिल गया। अब देखिए, अब हमारे पास बचा ए सी, हमारे पास बचा ए सी, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा पी क्यू, लिखेंगे पी क्यू, यानी कि ए सी बटे पी क्यू बराबर, गौर कीजिएगा, तीन बटे छ, तीन कने तीन, तीन दूनी छः, यानी कि एक बटे दो। यहाँ देखिए, यानी सभी भुजा का जो अनुपात है क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यार साथी, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ यहाँ सभी संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सभी संगत भुजाएं बराबर समानुपात में हैं, बराबर समानुपात में हैं, समानुपात में है, बराबर समानुपात में है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के, यही क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हमने बता दिया, आपको एक टेक्निक भी बता दिए हैं, कौन भुजा किसके नीचे जाएगा, तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, टेक्निक भी आपको मिल गया। अब आइए प्यारे साथियों, हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के फोर्थ को, यानी कि 4 नंबर को देखेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर को बताना समरूप है कि नहीं है। क्योंकि क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोण डी बराबर 70 अंश, यहाँ पे कोण पी बराबर हमको पता नहीं है, यहाँ पे कोण ई बराबर 80 अंश, यहाँ पे कोण क्यू बराबर 80 अंश है, यह तो सेम है दिखा, यहाँ पे कोण एफ का मान पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोण आर का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो प्यारे साथियों, लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब पहले लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में लिखेंगे, यानी कि कोण डी बराबर 70 डिग्री, कोण ई बराबर 80 डिग्री, और कोण एफ बराबर नहीं पता, तो पता पहले कर लीजिए, पहले कोण एफ बराबर पता कीजिए कितना डिग्री है। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, क्योंकि हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर
180 है। कोण डी का मान चुकी पैसा चाहिए 70 डिग्री प्लस कोण ई का मान पैसा चाहिए कितना 80 डिग्री प्लस कोण एफ का मान पता करना है तो बराबर कितना देगा 180 डिग्री। 70 में 80 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 160 अंश प्लस कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री या बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पता हो गया। इसी प्रकार से परीक्षार्थियों लिख देंगे इसी प्रकार से किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में इसी प्रकार से हो जाएगा क्या कोण पी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री होगा और कोण क्यू बराबर कितना है 80 डिग्री और कोण आर बराबर कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री पता है। इसी प्रकार से निकालेंगे तो पी का भी मान आ जाएगा। क्या देख रहे हैं चूंकि कोण डी बराबर कोण पी और क्या है कोण ई पी आर छाती में बराबर है कोण क्यू के और कोण एफ बराबर है गौर से देखिएगा कोण एफ बराबर कोण किसके है आर के। इसलिए त्रिभुज डी ध्यान दीजिएगा डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के किस नियम से हम देख सकते हैं एंगल समरूपता नियमानुसार समरूपता से। तो प्यारे साथियों यह प्रश्न 4 नंबर का सॉल्यूशन और कुछ करने की जरूरत नहीं बस आप ये चुटकी बना सकते हैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बड़ा हल्का सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं 5वें नंबर आकृति 5 को देखेंगे और बताएंगे समरूप है कि नहीं है। तो आइए प्यारे साथियों अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है आप ये चुटकी में कर सकते हैं। लिखेंगे प्यारे साथियों त्रिभुज एल एम एन एल एम एन तथा त्रिभुज आर क्यू पी में क्या देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात है अगर हम प्यारे साथियों काम करते हैं क्या कि यहाँ पे गौर कीजिएगा यम यल जो भुजा है अगर देखिए ध्यान से देखिए अगर यम यल भुजा बटे क्यों आर भुजा के अनुपात में करते हैं यानी कि यम यल बटे क्यों आर बराबर तो क्या हो जाएगा यम यल का मान कितना 5 बटे कितना 10 5 करने 5 5 दूनी 10 यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यम यन बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2.5 बटे 5 यानी कि 2.5 दूनी कितना 5 या 2.5 है समझिएगा 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। और क्या देख रहे हैं कि कोण जो यम है बराबर है कोण किसके क्यू के कोण यम बराबर है कोण क्यू के तो क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ 2 समीपवर्ती संगत भुजाएं क्या हैं समानुपात में है और एक कोण क्या है समान है। देखिए क्या 2 समीपवर्ती संगत भुजाएं समानुपात में है और एक कोण समान है इसलिए प्यारे साथियों कह सकते हैं त्रिभुज यल यम यन
समरूप होगा त्रिभुज किसके, आर ओ पी के, आर ओ सॉरी आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के किस नियम से, यस ई यस समरूपता से, यस ए यस समरूपता से। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 5 का सारी सब। आप चाहे तो इसको कोणियम जो कोण क्यों है इसको पहले यानी कि इन दोनों भुजा के बीच में लिख देंगे तो अति उत्तम होगा। यहाँ पे देखिए कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा की समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो गया, यह पता चल गया कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो अब प्यारे साथियों लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को जो प्रश्न नंबर 2 का सबसे अंतिम क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर दिया है, ए बी सी और डी ई एफ में पता लगाना है कि दोनों जो त्रिभुज दिए समरूप है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए बी भुजा का माप दिया है और बी सी भुजा का माप दिया है और कोण ए दे दिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई एफ भुजा की माप दिया है और डी एफ भुजा की माप दिया है और इसकी संगत कोण भी दे दिया है। लेकिन इसमें बताइए दिया है इसको इस कोण को देना चाहिए ना, लेकिन इस कोण को न देकर इस कोण को दिया है, इसीलिए है दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। तो कारण दे देंगे केवल सॉल्यूशन में, क्या लिख लेंगे प्यारे साथियों, क्या नहीं समरूप नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों त्रिभुज ए बी सी क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए दिया है, कोण ए दिया है परंतु कोण ए दिया है, प्यारे साथियों देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए दिया है परंतु सम्मिलित नहीं है, परंतु सम्मिलित नहीं है, क्या है परंतु सम्मिलित भुजा, इसको लिखेंगे सम्मिलित भुजा ए सी नहीं दी है, नहीं दी हुई है, बस उतना लिख देंगे। क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों यहाँ पे सम्मिलित भुजा ए सी देना चाहिए क्योंकि ए सी दिया नहीं है, या तो कोण इसको देना चाहिए इसलिए तब समरूप होता, लेकिन इसके जरिए हमारा क्या है समरूप नहीं है। प्यारे साथियों आई होप प्यारे साथियों कि इतने प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो आई होप प्यारे साथियों कि समझ गए होंगे। तो अब प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, पुनः मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में शेष बचे सवालों को।